सेक्टर 16 अस्पताल की कैंटीन में दो स्टूडेंट्स द्वारा खाने की थाली में नॉन वेज मिलने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इसकी जांच फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को मार्क कर दी गई थी और फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर भरत द्वारा जांच पूरी करने के बाद रिपोर्ट सबमिट करवा दी गई है। रिपोर्ट में कैंटीन को क्लीन चिट दी गई है और वहीं जब कैंटीन के मालिक हरीश से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जब यह मामला हुआ था उस दौरान उन्हें कैंटीन को लिए हुए 8 दिन हुए थे। पहले करीब 40 साल से कैंटीन किसी और के पास थी, अभी तो उन्होंने सामान का सेटअप भी नहीं किया था कि यह मामला हो गया, जबकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में नॉन वेज का जिक्र तक नहीं है और कैंटीन में सिर्फ वही बनता है, उन्हें फंसाने की कोई साजिश कर रहा है। सर इधर मेरे जी पोजेशन है वो मैं अपना 6 तरीक न लिया जी, 6 फरवरी में। देखो जी 14 तरीक की गल है जी, 14 फरवरी की दोपहर के लगभग 1:30 बजे की गल है। मैं अभी काउंटर पर बैठे थी जी, अभी बिलिंग कर रहे थे, रात का टाइम से एकदम तो हल्ला जहा मचा जी कि खाने चो हड्डी निकली है, बंद ने एकदम घ्यो बनाया। थोड़ा जहा टाइम होया बंद ने रौला पाना ज़्यादा स्टार्ट करता, थोड़े टाइम चु मीडिया भी आ गई जी, फिर जानू तो आपस आप हैरान है जी, पता नहीं एकदम तो होया क्या। जब तीन असं पहुँचे बंदे कहते तुम की कर रहे हो, ये है वो है नारे पा वो लग गए कर नी जी, तुम अपना खाना किदा दे रहे हो, ये है जी वो है, असं आप हैरान से जी एकदम तो हड्डी निकल कितनी उदे तो नॉनवेज बन रही नहीं है जी। उसके बाद प्रॉपर अथॉरिटीज़ ने अपना पूरा अपना प्रोसीजर फॉलो करे जी, फूड सैंपल ले गया जी, वो पूरी थाली साड़ी इन्हों को पई है जी, फूड सैंपल ले गया साढ़े। उनकी हेल्थ विभाग से बात चल रही है, जल्द ही जो लोग बाहर से खाना लाकर कैंटीन के अंदर खाते हैं वह बंद कर दिया जाएगा और CCTV कैमरे भी इंस्टॉल करवाने का काम शुरू कर दिया गया है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਫੂਡ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਡੇਲੀ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਜੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨਿਊ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨਿਊ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਟਮ ਨੋਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਜੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨੋਨ ਵੈਜ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਪਿਓਰ ਵੈਜ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਅਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪੰਗਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਿਹਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਹੇਗੀ, ਫੁਟੇਜ ਲਾਈਵ ਚੱਲੇਗੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਟਿਫਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਫੂਡ ਉਰੇ ਅਲਾਊਡ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।